तो हेलो गाइस, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि फ्लिपकार्ट में जो ई गिफ्ट कार्ड होता है उसके पॉइंट्स को आप किस प्रकार मतलब कि रिडीम कर सकते हो, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके पास कोई सा भी फ्लिपकार्ट के गिफ्ट वाउचर कोई सा पड़ा हुआ है तो उसमें आप अपना एड बैलेंस कैसे कर सकते हो, यहाँ पर एक नए तरीके से आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट वाला एप्लीकेशन ओपन कर लेना होगा। यहाँ पर आपको नीचे बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, होम, एक्सप्लोर, अकाउंट वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले आपको अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। फ्लिपकार्ट प्लस, एडिट प्रोफाइल, यहाँ पर सेव्ड वॉलेट एंड कार्ड पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। जब आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो आपको गिफ्ट कार्ड वाले ऑप्शन में देख पा रहे हो हमारा भी जीरो बैलेंस है। तो इसी वाले गिफ्ट कार्ड को यूज़ करके आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार आप इसमें ऐड बैलेंस कर सकते हो, इजीली बताऊँगा। तो अगर आपके पास किसी भी एप्लीकेशन से आपने अगर फ्लिपकार्ट का एक वाउचर रिडीम किया है जिसको आप यहाँ पर रिडीम करना चाहते हो, तो यहाँ पर एक कार्ड नंबर होता है जो उस टाइम पर मिलता है, एक गिफ्ट कार्ड पिन भी होता है। तो उसको क्या करना होगा, आपको वहाँ से कॉपी करके आना होगा और यहाँ पर आपको पेस्ट कर लेना होगा। तो ईजिली आपका रिडीम भी हो जाएगा और आप यूज़ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम उसका ऊपर वाला नंबर को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आपको पेस्ट करके आपको ईजिली यहाँ पर बता देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत लोडिंग ले रहा है, तो लोडिंग लेने के बाद दोबारा से लग रहा है हमें यहाँ पर दोबारा से जाना पड़ेगा। तो बैक बैक करके हम यहाँ पर अकाउंट वाले ऑप्शन में दोबारा से जाते हैं और आपको ईजिली बता देते हैं। तो वेट वगैरह कर लेना। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद अकाउंट पे क्लिक करना होगा, फिर यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको सेव क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड पे इजीली क्लिक कर देना होगा। जब आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो माय कार्ड एंड वॉलेट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऐड टू फ्लिपकार्ट पे क्लिक करना होगा, तो यहाँ पर कार्ड नंबर मांगेगा जो हमने अभी कॉपी किया था, उसी वाले कार्ड नंबर को आपको इजीली यहाँ पर पेस्ट कर देना होगा। फिर यहाँ पर गिफ्ट कार्ड पिन होता है 6 नंबर का, तो 6 नंबर वाला भी चलिए हम कॉपी करके आपके सामने चलते हैं। यहाँ पर इस वाले कार्ड को भी नंबर को भी कॉपी कर लेते हैं। तो चलिए हम वहाँ पर यहाँ पर इसलिए आपके सामने पेस्ट कर देते हैं और जैसे ही हम अप्लाई कर देंगे तो हमारे 50 रुपीज़ का ये वाउचर था, तो हमारे 50 रुपीज़ हमारे वॉलेट में यूज मतलब कि आ जाएंगे। उसका आप यूज़ कर सकते हो शॉपिंग वगैरह करने के लिए। तो जैसे कि आप UPI पेमेंट करते हो वैसे ही ये वाले गिफ्ट वाउचर भी आपके मतलब कि यूज़ हो जाते हैं फ्लिपकार्ट में, अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई सी भी शॉपिंग वगैरह प्रोडक्ट वगैरह ऑर्डर करते हो। तो जैसे कि हमने अभी आपके सामने गिफ्ट कार्ड एडिट सक्सेसफुली नीचे लिखा हुआ आ चुका है और ऊपर आप देख पा रोगे कि हमारे 50 रुपीज़ भी हमारे वॉलेट में ऐड हो चुके हैं। तो इसी प्रकार आप 50 रुपीज़ का मतलब कि जो भी आपके पास वाउचर है यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और ये वाली वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर।